अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाजिया फूडीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कबाब, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होते हैं। इससे पहले भी हमने आपको मटन स्टफ्ड कबाब बनाना सिखाया था, आज हम आपको चिकन कबाब बनाना सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया 300 ग्राम चिकन, ये बोनलेस चिकन है। इसको हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया और मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, इस तरीके का हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसमें सबसे पहले कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है प्याज और हरी मिर्च, इसको हमने एक चॉपर में डालकर एक दरदरा पेस्ट बना लिया है। आप इसको चाहें तो हाथों की हेल्प से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लीजिए। हमने यहाँ पर चॉपर की हेल्प से इसे दरदरा पेस्ट बना लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डाल देते हैं चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हम डाल देते हैं कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने से हमारे कबाब में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून दही। दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा घर का दही है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून हमने डाला है यहाँ पर रोस्टेड बेसन। ये देखिए, बेसन डालने से हमारे कबाबों में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ कटे हुए पुदीने के पत्ते। हमने यहाँ पर पुदीने के पत्ते डाले हैं, आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकती हैं। पुदीना के पत्ते डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, सारे मसालों को और सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में इसे हमें कबाब का शेप देना है। तो यहाँ पर हमने गोल शेप में कबाब बनाए हैं इस तरीके से। ये देखिए, आप थोड़ा सा इसका हिस्सा लीजिए और अपने हाथों पे रखकर इस तरीके का गोल गोल शेप में बना सकती हैं। हमने यहाँ पर गोल शेप में कबाब बनाए, आप इसे ओवल शेप में भी बना सकती हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम बाकी के सभी कबाब बना लेते हैं। ये देखिए, हमारे सभी कबाब बनकर तैयार हो गए। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करते हैं। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन में हम डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके अपने सभी कबाब रख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें कबाब को रखना है। गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो रखनी है, हमें ज्यादा तेज आंच में नहीं पकाना है, नहीं तो हमारे कबाब अंदर से कच्चे हो जाएंगे। अब हम इन्हें पलट कर देख लेते हैं कि हमारे कबाब कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पलटना शुरू कर दिया है और हमारे कबाब में बहुत अच्छा कलर आया है। ये देखिए, अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से पका लेते हैं। हमने अपने सभी कबाबों को पका लिया है और अब हम इनसे सर्व करते हैं। यहाँ पर हमने अपने कबाब को सर्व कर दिया है। यहाँ पे हमने रेड चटनी और सैलेड के साथ में सर्व किया है। आप इन्हें चटनी के साथ भी खा सकती हैं और चपाती के साथ भी खा सकती हैं। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बने हैं, बहुत ही हेल्दी कबाब होते हैं। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप जितना ज्यादा हो सके हमारी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इसी तरीके से आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।